इसमें जहां पर मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग को देखते हैं जिसके पास में कौन था, वैसे सेव करने के लिए बार बार में इसको खोद रही थी ताकि वह बात के लिए उसे बचा सके, लेकिन उनको कहीं भी सेव नहीं कर पाती है। इसी कारणवश काफी जोर से दबा दी है जिसके कारण लगता है और वह पूरे के पूरे माउंटेन्स को रानी लग जाता है, जहाँ पर यह स्क्वेयर अपनी जान बचाती हुई भागती है और तभी दो बड़े बड़े माउंटेन उसको ऑलमोस्ट आने वाले थे कि तभी वह अपना है कौन लेकर बच जाती है और सीधा एक माउंटेन के नीचे गिर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हर साल की जैसी कैसे जाता है, इसका मतलब था कि काफी ज्यादा सर्दी के सारे जानवर सर्दी से बचने के लिए दूसरी जगह पर मूव कर रहे थे। यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक क्लॉथ फ्लॉथ आप सभी जानते हैं कि कितने आलसी होते हैं, लेकिन यहाँ वाला फ्लोर काफी ज्यादा एक्साइटेड था जिसका नाम था। उसको पता चलता है कि सारे एनिमल्स उसे छोड़कर चले गए हैं। आगे निकलने के बाद में गलती से वह टू रनों से पंगा ले लेता है क्योंकि वह उनका इलाज खा चुका था और इसी के साथ उनकी स्टाइलिट भी अपना पैर भी चढ़ा देता है, जिसके बाद में वह टू रनों से मरने ही वाले थे कि तभी उसके सामने में नहीं आ जाता है। वह मैन से मदद मांगता है फिर कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो यह आदमी से जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिसके पास में अब मैन सेट की मदद करता है और उन दोनों लाइनों से फाइट करता है, जिसके बाद में नहीं अपना बैलेंस नहीं संभाल पाता। उसी के साथ में यह दोनों ही एक माउंटेन से नीचे गिर जाती है। सेट को अब इन दोनों लाइनों से धमकी मिलती है कि तुम ऊपर आकर तो दिखाना, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं। डर के मारे सेट मैन से चिपक जाता और बोलता है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लेकिन मैंने इस नए दोस्त से बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहाँ पर सिर्फ इंसानों पर होता है जो कि अपने छोटा सा कस्बा बनाकर रह रहे थे, जहाँ पर हमें बहुत सारे स्माइल ओजोन मिलते हैं। इसमें से एक का नाम किया था और एक का नाम सूट होता तो इस ग्रुप का लीडर था, और वह कहता है हम सारे स्माइल ओजोन को इन इंसानों ने मार दिया है और अब हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। देखो जरा छोटा सा बच्चा मेरी नाश्ते में कैसा रहेगा, जाओ यह हो इस बच्चे को मेरे लिए लेकर आओ, हम सभी तुम्हारा हाउस पीक के अंदर बैठ करेंगे। दूसरी तरफ मैनी को पता था कि मौसम काफी खराब है, इसलिए वह रात में रुकने के लिए खुद के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर लेता है, जहाँ पर सिर्फ तो पहले इडियट था उसे लगता है कि वह आग चला पाएगा, लेकिन बारिश होने के कारण ना तो उसकी आग चलती है और वह भी लग जाता है। पूरी रात गिरते हैं और वह पूरी रात बाहर ही रह जाता है। इधर रात के अंधेरे में यह सारे स्माइल और इंसानों के कैंप के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर रहने वाली डॉग और वह इंसान के ऊपर भक्ति भी है, जिससे यह सारे इंसान जब के बाहर निकलते हैं और डिफेंड करने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पर उसके अंदर घुस जाता है, जहाँ पर छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे की माँ उस बच्चे को अपने साथ लेकर वहाँ से काफी दूर भाग जाती है। यहाँ पर आदमियों को पकड़ लेते हैं, तभी डिएगो उसी लेडी के पीछे भागने लगता है और कुछ नहीं मिलने पर यह निधि पानी के अंदर जाती है। दूसरी तरफ मिनी और से बातें करते करते निकल ही रहे थी कैसे उनके पास दोस्त है, कभी यहाँ पर मैं नहीं को अपने सामने वही औरत दिखाई देती है जो कि अपनी जान बचाने के साथ साथ अपने बच्चे को ऊपर माउंटेन पर धक्का देती है। वह बच्चा गिरने ही वाला था कि तभी मैंने उसे बचा लेता है और फिर जब उसे अपनी गोद में ले लेता है और जब यह उसकी मॉम को देखते हैं तो वह औरत तो पानी के बहाव के साथ में बहुत दूर रह जाती है। मैंने उस बच्चे की परेशानी अपने स्तर पर नहीं लेना चाहता था, किसी कारण को कहते हैं कि मैं तो इसे नहीं बचाने वाला, तो सिर्फ कहता है कि अगर तुम्हें नहीं बचाना था तो फिर क्यों बचाए जाने देते, से तुम्हें नहीं बचाना तो ठीक है लेकिन मैं इस बच्चे को बचा लूंगा। वहाँ देखो ऊपर आग जल रही है, वहाँ जरूर इसके पहले होंगे, वहाँ तक पहुँचा दूंगा। मैं नहीं देख रहा था कि क्या से डिस्क की हेल्प कर पाएगा, लेकिन वह स्लॉट कहाँ तक चल पाता, वह माउंटेन कहाँ पड़ा था और उसकी चढ़ाई एकदम खड़ी थी। बहुत कोशिश करने के बाद में भी ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाता और एक टाइम ऐसा आता है जब सेट के हाथ में छोटा सा बच्चा फिसल जाता है। मैंने उसको पकड़ने वाला था कि तभी माँ को आकर उस बच्चे को ललता है, कुड़ी को कहता है कि पिंक कलर की चीज मेरी है, जहाँ पर सेट और मैं नहीं कहते हैं कि यह तुमने गलत बात बोली है, यह बच्चा हमारा है। तुझे को कहते हैं कि यह ऐसा कैसा तुम्हारा ग्रुप है, तो मैं नहीं बोलता है कि हमारा कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यह बच्चा तो तुम्हारा नहीं है, जहाँ पर डॉक्टर डॉट को बोलता है कि मैं इस बच्चे को अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसके मम्मी पापा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, तुम्हें तो इंसानों के बारे में पता भी नहीं है। मैं इस बच्चे को बिल्कुल सही सलामत पहुँचा दूंगा, लेकिन मैं नहीं और सिर्फ इस बच्चे को देने के लिए मना कर देते हैं और अपने साथ नहीं रखते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद भी इन्हीं वही जगह मिलती है जहाँ पर यह सारे इंसान रुके थे। फिर बताता है कि देखो यहाँ पर आग जल रही थी, इसका मतलब यह लोग ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे। तो ड्राइवर बोलता है कि तुम्हें क्या पता ट्रैकिंग के बारे में, ट्रैकिंग कितनी होती है, एवं तुम्हें तो यहाँ के रास्ते तक नहीं पता। मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि मुझे दे दो, मैं इंसानों के पास में बिल्कुल असली पहुँचा दूंगा। लेकिन मैं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं था। वह कहता है कि हम इसकी मदद खुद कर सकते हैं, अगर तुम्हें हमारी मदद करनी है तो हमें रास्ता दिखाओ। फिर यहाँ पर डिएगो को बहुत चढ़ा चुका था, लेकिन अब सेट को पता चलता है कि डेयर को भी उनके साथ ही चलने वाला है, तो सिर्फ तो बुरी तरीके से डर जाता है और मैं नहीं के बिल्कुल पास आ जाता है। जिया को यहाँ पर सिर्फ और मेरी को गलत रास्ता बता
बताता है, वह उन्हें आप ही की तरफ लेकर जाने लगता है जहाँ पर बाकी सारे स्माइल और जून थे। अब यह छोटा सा बच्चा था जिसे भूख तो लग नहीं थी क्योंकि जोर जोर से रोने लग जाता है। यहाँ पर मैं नहीं और डिएगो कहते हैं कि जरूर इसने इंसानों वाले कपड़े पहने होंगे, तो तुम जरा चेक करो। फिर उसके बाद में छोटे बच्चे का डायपर चेंज करता है जो की सीधा उत्तर मैनी के सर पर आकर गिरता है, लेकिन यह बच्चा तो अभी भी चुप नहीं हो रहा था। किसे चुप कराने के लिए यह लोग गेम खेलने लगता है। डिएगो जो कि सबसे खूंखार एनिमल्स में से एक होगी, इस बच्चे को खाता नहीं है बल्कि रोते हुए बच्चे को चुप कराने लगता है। तभी यहाँ पर सेट को एक व्हाट्सएप इसको लेने के लिए जाता है तो वहाँ मिल जाती है। यहाँ पर तो ऐड करके रख रही थी ताकि आने वाले ढूंढने की जरूरत न पड़े, कि बीच में शुरू हो जाती है। एक भी फोटो में लेंस शेयर नहीं करती है किसी के करने के बाद ही खुद ही की बेवकूफी के कारण ही वाटरमेलन बिखर जाते हैं। इसी के साथ में यह बर्ड्स भी माउंटेन से नीचे गिरने लग जाती है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद सेट को एक व्हाट्सएप मैसेज मिल ही जाता है जिसके बाद में यह छोटा बच्चा इसे खाकर रोना चुप कर जाता है। अब काफी रात हो चुकी थी जहाँ पर यह सारे एनिमल्स रुकने के बारे में सोचते हैं। मैनी को पूरा पूरा भरोसा था कि दिया को जरूर रात में कुछ ना कुछ करेगा, इसी कारण में छोटे बच्चे को अपनी से बिल्कुल अलग नहीं करता। वह भूखा था और भूखे रहने के कारण उसे नींद ही नहीं आती है। रात होने पर जब मैनी की आंख लग जाती है तो ठीक हो छोटे बच्चे को उठाने वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है। जब जाकर देखता है तो वहाँ पर उसके बाकी दोस्त को बोलता है कि अभी हम इस बच्चे को नहीं खाएंगे, तुम जाकर को बता दो, मैं बच्चे के साथ में एक हाथी भी लेकर आ रहा हूँ। हम सभी लोगों की अच्छी खासी पार्टी होगी, हम सभी को अगर हाथी के ऊपर अटैक करना है तो एक साथ करना पड़ेगा। इसके बाद में ये दोनों स्माइल भी मान जाते हैं और पूरे ग्रुप को इन्फॉर्म करने के लिए अगली सुबह हम देखते हैं किसी एक और में नहीं दोनों को ही बच्चा नहीं मिलता है, बल्कि यह बच्चा तो सेठ के पास था जो कि हॉट वाटर के अंदर बैठा था। फिर यहाँ पर तो फीमेल्स रात को बताता है कि कैसे उसने इस बच्चे की जान बचाई, जिसके बाद में मैं नहीं आके छोटे से बच्चे को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से आगे निकलना है। मैनी को पता चलता है कि छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं डरता है पर बहुत ही ज्यादा भ्रम है। इधर से जब आप अपना बात लेने के लिए जाने वाला था तो वहाँ पर उसे वह पुरानी दूर रहना मिल जाती है जो कि उसकी जान के पीछे पड़े थे। तभी वह आकर डिएगो को बोलता है कि प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, ऐसा बिहेव करो कि जैसे मैं मारा गया, लेकिन उसकी मदद नहीं करता तो सिर्फ जोर से मारता है। गुड़िया को गुस्से में गर्दन पकड़ लेता है तो मारा गया है, खाना बन चुका है। अब यह सभी लोग आगे की तरफ निकलती है जहाँ पर बीच रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ी हो चुकी थी, इसी के अंदर ही खेलना शुरू करते हैं। करता है यहाँ पर स्क्वायर भी दिखाई देती है जो कि अभी भी अपने आइकन के साथ में ही घूम रही थी। मैं नहीं यहाँ पर उसे रास्ता पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ इंसानों के आने के बारे में पता है। यह स्क्वायरल यहाँ पर स्माइलस्टोन के ग्रुप के बारे में बताने की कोशिश करती है कि यह सारे स्माइलरों यहाँ से निकले थे। वे को पता चलता है कि अगर मैंने को पता चल गया कि मैंने उनके लिए ग्रुप बना रखा है तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए दिया कोशिश को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। यह लोग आगे की तरफ बढ़ती है जहाँ पर डिएगो को इंसानों के बारे में पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वह मैं नहीं और सेट को बोलता है कि शॉर्टकट क्या होता है। तो दिया को बोलता है कि मैं इसी माउंटेन तो रहता हूँ, शॉर्टकट का मतलब होता है कि हम बहुत जल्दी पहुँच सकती है, अगली तरह इंसान है, अगर यहाँ से नहीं गए तो फिर आगे तरफ निकल जाएंगे, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शॉर्टकट ले लेता है। सारे एनिमल्स यहाँ पर फ्री हो चुके हैं। तभी आप ही वह छोटा सा बच्चा आगे बढ़ता है और सीधा एक फ्लाइट पर निकल जाता है कि लाइट पर जाने के कारण वह नीचे गिरने लग जाता है, जिसके बाद मीडिया को मेरी ओर से उसको पकड़ने के लिए वह भी स्लाइड पर जाने लगते हैं। इनकी स्लाइड एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद यह छोटा बच्चा तो बाहर निकल जाता है। वे भी फ्लाइट के ऊपर गोल गोल घूम रहे थे। लाइट टूटने के बाद में यह सीधा एक मॉल के अंदर जाकर घुसते हैं। अभी ने एक ऐसी चीज मिलती है जहाँ पर काफी पुरानी पेंटिंग्स हो रखी थी। क्लॉथ को यहाँ पर अपनी फैमिली दिखती है, उसी के साथ में सिर्फ को एक एलिफेंट फैमिली दिखती है। यहाँ पर सैनी को बताता है देखो या फिर तुम्हारे जैसे, यहाँ पर देखता है तो उसे अपनी फैमिली के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं कि उसके लिए इंसान आगे आ गए, इंसानों ने मम्मी और पापा दोनों को मार डाला, किसी को इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, छोटा सा बच्चा मैंने के कारणों से कर लेता है। यहाँ पर यह बाकी सारे इंसान अभी भी अपने बच्चे ढूंढना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बाकी कभी नहीं वाले बोलते हैं कि आप हमें आगे निकलना चाहिए, वह बच्चा शायद कभी नहीं मिलेगा। जो भी आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सिर्फ को उसके पैरों में कुछ गरम गरम सा लगता है, तो शायद मैं नहीं और रियाको को बोलता है और अभी नहीं पता चलता है कि यहाँ पर तो एक वोल्केनो है। कि सभी लोग काफी आगे निकलती है जहाँ से माउंटेन धीरे धीरे टूटने वाला था, तब से पीछे डेयर को बचता है जहाँ पर मैं नहीं अपनी जान की बाजी लगाकर डिएगो को पकड़ लेता है। वो जब तीन जगह पर पहुँचता है तो उसे लगता है कि मैं नहीं नहीं उसकी मदद की, लेकिन आखिर क्योंकि तो मैं नहीं बोलता है।
दोस्त ऐसे ही होते हैं, कभी दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसके बाद अब तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। दूसरी तरफ सारे स्माइल डोनेट कर दिया को का वेट कर रहे थे कि कब जाकर वह सेंट को लेकर आएंगे और हम सब मिलकर उस एलिफेंट करेंगे। यहाँ रात काफी ज्यादा ठंडी थी जिसके अंदर से टूट चुकी थी। इन्हें लगता है कि छोटा बच्चा बीमार हो जाएगा, इसी कारण यहाँ पर से लगता है कहता है कि मैं हमेशा लोगों को याद रहा हूँ, इसीलिए मेरी ड्रॉइंग बना रहा हूँ। जहाँ पर ड्रॉइंग को और ज्यादा डार्क करने के लिए भूत जैसी स्टोन को जोर से लगाता है तो वहाँ पर आग लग जाती है, जिसके बाद तो अभी असलत खुद को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानने लग जाता है। यहाँ पर मैं नहीं कहता है कि देखो तो सही इस बच्चे को ये कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि यह छोटा बच्चा अब चलने लग गया था। दिया घोष बच्चे को दूर भेज देता है कि जाओ तुम उनके साथ में खेलो, मैं नहीं। और छोटे बच्चे को चलता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अब जब यह सभी सो गए थे तो वापस कर लाती और अपने अकाउंट को पिघलाने की कोशिश करती है, लेकिन यह तो एक कॉल भी बदल चुका था। अब देखो को लगता है कि शायद उसे मैं नहीं और सिर्फ को धोखा नहीं देना चाहिए। इसी कारण डियागो मैनी को बोलता है कि हम आप पर पहुंच चुके हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तो मैं नहीं गुस्से में होने के कारण डियागो को सीधा गर्दन से उठा लेता और कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, कि दोनों से माफी मांगता है और कहता है कि आगे मत जाना नहीं तो तुम लोगों के ऊपर अटैक कर देंगे, सकता हूँ प्लीज करो, अरे तुमने तो हमें बता दिया है। लेकिन डियागो कहता है कि मैं पक्का तुम्हें बचा लूंगा। सिया को यहाँ पर मैं नहीं और सेट को एक प्लान बताता है, जहाँ पर से बच्चे को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और सारे के सारे स्माइल एडोनिया पर सेट के ऊपर अटैक कर देते हैं, जबकि छोटू ने मना किया था कि जब तक हाथी को नहीं देखोगे तब तक उसके ऊपर अटैक मत करना। पीछे तैयार डिएगो मैंने दोनों आ जाते हैं क्योंकि बाकी के स्माइल डॉन को हरा देते हैं। एक महिला डॉन अभी भी बचा हुआ था, उसके पीछे पीछे आता है और उसे पता चल जाता है बच्चा तो दूसरी तरफ है, लेकिन इसके अंदर फंसा देता है। तो यहाँ पर भी आता है कि तुमने तो गद्दारी की है, तुम हमारे साथ ऐसा कर सकते हो। तो कहता है कि इन सभी को छोड़ दो, मैं नहीं करता है तो मुझे मारो, लेकिन अब मैं नहीं आता है। ऑडियो को बचाने की कोशिश करता है। इन सबके बीच में डिएगो काफी ज्यादा हो जाता है तो वह मैंने उसको कहते हैं किसी को लेकर आ जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा और अगर आगे नहीं गए तो कभी नहीं वाली आंखें निकल जाएंगे को यही छोड़कर जाना पड़ता है। पूरा के जाने के बाद में छोटे से बच्चे के फादर को लगता है कि शायद हमारे पीछे कोई है, लेकिन उसे कोई भी नहीं देखता है। इसी कारण वह अपने बच्चे का छोटा सा लॉकेट वहीं पर छोड़ जाता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर इस बार उसे मैं नहीं देखता है। किस आदमी को लगता है कि यह एलिफेंट हमारे ऊपर अटैक कर देगा और इसी के साथ में कभी नहीं कि सारे लोग आते हैं। तभी मैंने छोटे से बच्चे को नीचे उतारता है तो आप यह सारे लोग अटैक करते हुए रुक जाते हैं। छोटे से बच्चा अपने छोटे छोटे कदम लेकर आगे की तरफ बढ़ता सीधा अपने वादे के गले जाकर लग जाता है। जाने से पहले एक बार फिर से यह बच्चा मिनी और सीट से आकर गले मिलता है तो मैं नहीं कहता है हम तो तुम्हें नंगी शैतान कभी नहीं भूलेंगे। वह करते हैं कि तुम भी हमें कभी मत भूलना, जाने से पहले छोटे बच्चे के फायदे के अंदर डाल देते हैं। फिर तो काफी जोर जोर से रोने लग जाता है क्योंकि छोटा सा बच्चा भी नहीं छोड़कर जा रहा था। कितनी देर में पहुंच जाता है, छोटे बच्चे को गुड बाय करता है जैसे उस बच्चे को खिलाता था, आखिरकार जान बचा ली थी, सौंप दिया था। मूवी के लास्ट में हम लोग इसे स्कूल को देखते हैं जो कि पूरी की पूरी हुई तू रखी थी और इसी के साथ इसका कौन भी था। धीरे धीरे सनलाइट के कारण यह अनफ्रीज हो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव के कारण यह कौन वापस चला जाता है। पानी में आखिरकार इस स्क्विरल को एक कोकोनट मिलता है और इस बार कोकोनट को सेव करने के चक्कर में फिर से यह सवाल एक बहुत बड़ा कर देती है, जिसके कारण क्यों निकल जाता है। और इसी के साथ में गई थी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप सभी को कैसी लगी?